हेलो दोस्तों, आपका हमारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सेकंड लेक्चर देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, क्लास 12th मैथ्स है। तो हमने इसके पहले भी वाले वीडियो में पढ़ चुका था थ्योरम 3 का पहला फार्मूला। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे थ्योरम 3 का सेकंड फार्मूला, जो कि हमें प्रूव करना है कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। इसको हमें प्रूव करना है, यानी कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमें दिखाना है सेक इनवर्स 1/x। तो हम इसमें मान लेंगे, लेट माना कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यदि हम वाई मान लें, तो यहाँ से यदि हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो जो हमारे कॉस इनवर्स है इधर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कॉस वाई के रूप में हो जाएगा। फिर इसको हम अपॉन के रूप में लिख देंगे, तो 1/x इज इक्वल टू 1/cos y। फिर 1/x को सेम ऐसे रहने देते हैं। फिर 1/cos y को हम जानते हैं कि sec y के बराबर होता है। फिर sec y को इस तरफ ले लिया जाए कि sec y इज इक्वल टू 1/x। यदि यहाँ पे sec y इज इक्वल टू 1/x है, यदि हमें y का मान निकालना है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा sec इनवर्स 1/x। क्योंकि यहाँ पे हमने माना है कि cos इनवर्स x के बराबर y है, तो इसलिए यहाँ पे y का हम वैल्यू रख देंगे, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x। यानी राइट हैंड का वैल्यू हमारा आ गया, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा ये सेकंड फार्मूला प्रूव हो गया। इसके बाद हम थर्ड फार्मूला की तरफ चलते हैं। तो हाँ दोस्तों, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप जैसे जैसे फार्मूला पढ़ते जाइए, आप उसको याद करते जाइए और नोट करते जाइए, तभी आप सबको समझ में आएगा। तो हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमें दिखाना है कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। तो दोस्तों, हमारा थर्ड है कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। तो हम मान लेते हैं, लेट माना कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू y के बराबर मान लिए जाए, या फिर a के बराबर मान लिए जाए, b के बराबर, आप कुछ भी यहाँ पे मान सकते हैं। तो हमने tan इनवर्स x इज इक्वल टू y माना है। तो यहाँ से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू tan y आ जाएगा। फिर इसको सेम लिख देंगे, मतलब जैसे हम जैसे जैसे ऊपर हमने फार्मूला लिखते गए वैसे वैसे सेम इसको भी बनाएंगे। तो 1/x इज इक्वल टू 1/tan y, यानी जो इस तरफ किया दोनों पक्षों में सेम, मतलब दोनों पक्षों में हमने डिवाइड कर दिया है, तो 1/x इज इक्वल टू 1/tan y हो गया। 1/x को सेम ऐसे रहने देते हैं, और 1/tan y को हम जानते हैं कि cot y के बराबर होता है। चूंकि हमें y का मान निकालना है तो यहाँ से हम cot y को इस तरफ ले लेते हैं, cot y इज इक्वल टू 1/x। फिर यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो हमारा cot y एक ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट हैंड जा करके एक इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। तो यानी cot y इज इक्वल टू 1/x है, तो हम यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ 1/x। चूँकि हमने ऊपर माना है कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू y के बराबर है, तो y के स्थान पर लिख देंगे कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि हमें प्रूव करना था tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। तो हमने LHS को लिया, लेट यानी माना कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू y,
तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा टेन वाई के बराबर। फिर दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो वन अपान एक्स इज इक्वल टू वन अपान टेन वाई, यानी जो हमने LHS में किया वही RHS में किया। तो वन अपान एक्स को सेम ऐसे रहने देते हैं, वन अपान टेन वाई को हम जानते हैं कि कॉट वाई के बराबर होता है। फिर कॉट वाई को इस तरफ ले लिए और वन अपान एक्स को इस तरफ, तो यहाँ से हम वाई इज इक्वल टू मानेंगे, वाई इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ये जो हमारा कॉट है इधर आके कॉट इनवर्स, और वन अपान एक्स पहले से ही था। फिर हमने ऊपर माना है कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई के बराबर है, तो यहाँ पे वाई के स्थान पे हम टेन इनवर्स एक्स रख देंगे, और चूंकि ऊपर कॉट इनवर्स वन अपान एक्स था तो नीचे भी सेम लिख देंगे कि कॉट इनवर्स वन अपान एक्स। तो हमारा थर्ड फार्मूला भी प्रूव हो गया। इसके बाद हम आएंगे फोर्थ फार्मूला पे। यहाँ पे हमें प्रूव करना है sec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cosec इनवर्स वन अपान एक्स। ये हमारा थर्ड थ्योरम का फाइनल फार्मूला है, यानी अंतिम। तो sec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cosec इनवर्स वन अपान एक्स हमें प्रूव करना है। तो हम लेट मान लेंगे कि sec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, जो हमारा sec इनवर्स है इधर जा कर के एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा, यानी एक्स का मान निकालेंगे तो जो हमारा sec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा sec वाई के बराबर। फिर सेम जैसे जैसे हम ऊपर करते गए वैसे वैसे इसमें भी कर देंगे, तो वन अपान एक्स इज इक्वल टू वन अपान sec वाई। दोस्तों आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप जितने फार्मूला यहाँ पे बताए गए हैं सभी को नोट कर लीजिए। तो यहाँ से वन अपान एक्स इज इक्वल टू जो वन अपान sec y है इसको हम cosec y के रूप में लिख देते हैं, यानी वन अपान sec y के बराबर होता है cosec y। तो cosec y को हम इस तरफ ले लेंगे, cosec y इज इक्वल टू वन अपान एक्स। फिर यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो y के बराबर आ जाएगा cosec इनवर्स वन अपान एक्स। हमने ऊपर माना है कि sec इनवर्स x इज इक्वल टू y के बराबर है, तो यहाँ पे y के स्थान पर लिख देंगे sec इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स वन अपान एक्स। ये भी हमारा प्रूव हो गया है। अब हम थ्योरम फोर पे चलते हैं। अब हम थ्योरम फोर पे चलते हैं। इसमें हमारा पहला फार्मूला है, इसमें हम एक लाइन से देखेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। सेकेंड फार्मूला है कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थर्ड है, ये सभी सूत्र हैं, आप सब इसको सीरियल से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि आप जब चैप्टर के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सुविधा होगी। तो हमारा थर्ड है कि टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। चौथा है कि कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फिफ्थ है कि कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू इसके बराबर होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स।
सिक्स्थ है कि सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये हमारे 6 फार्मूले हैं, इसको आप सीरियल से लर्न कर लीजिए। तो हमारे थ्योरम 4 का ये 6 फार्मूले हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फिफ्थ है कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब हम अपने थ्योरम 4 पे चलते हैं, थ्योरम 4 तो हो गया, थ्योरम 5 पे चलते हैं, सॉरी थ्योरम 5 पे चलते हैं। थ्योरम 5 में हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें हम पहला चलेंगे कि हमें प्रूफ करना है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसमें हमें प्रूफ करना है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू हमें दिखाना है टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो हम LHS लेके चलते हैं, राइट हैंड प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए के बराबर, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू टेन ए के बराबर आ जाएगा, और जो हमारा टेन वाई है यानी टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू हम यहाँ पे बी मान लेंगे, तो वाई का वैल्यू निकालेंगे तो वाई इज इक्वल टू टेन बी के बराबर आ जाएगा। यानी हमें प्रूफ करना है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है ए, मतलब माना है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x इज इक्वल टू टेन ए के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे टेन इनवर्स y को हम b के बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो टेन b के बराबर आ जाएगा। तो हम आगे चलते हैं, हमने पिछली क्लास में एक सूत्र पढ़ा था जो कि है कि टेन a प्लस बी, टेन a प्लस बी पिछली क्लास में हम इसको पढ़ चुके थे। तो टेन ऑफ ए प्लस बी का जो सूत्र होता है वो है कि टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये हमारा एक फार्मूला है कि टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं टेन ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पे हमने इसके पहले टेन ए का वैल्यू निकाले थे, तो यहाँ पे एक्स आया था और टेन बी के स्थान पे वाई आया था, अपॉन में वन माइनस टेन ए के स्थान पे एक्स था और टेन बी के स्थान पे वाई था। तो यहाँ से हम ए प्लस बी का निकालेंगे फार्मूला, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू जो हमारा ये टेन है इधर आकर के टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। और ऊपर हमें ए और बी का यहाँ पे वैल्यू रखना है,
तो ऊपर हमने निकाल लिया है कि a के बराबर है tan इनवर्स x, और b के बराबर हमने माना था tan इनवर्स y। और राइट हैंड में जैसे ऊपर था वैसे लिख देंगे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई, जो कि हमारा प्रूव हो गया है। चलिए इसको हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं। थ्योरम 5 है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, हमें दिखाना है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे हम लेट मान लेंगे कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू a होता है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x इज इक्वल टू tan a के बराबर आ जाएगा, और tan इनवर्स y के बराबर हम b मान लेंगे, तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो tan b के बराबर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। हमने क्लास 11th में एक सूत्र पढ़ा था कि tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b। तो tan ऑफ a प्लस b को ऐसे रहने देते हैं, और tan a के स्थान पे हमने x माना था और tan b के स्थान पे y निकला था, तो वापस तो अपॉन में वन माइनस tan a tan b के स्थान पे x y लिख देंगे। तो a प्लस बी को इधर ही रहने दीजिए, जो हमारा ये tan है इसको इस तरफ लाएंगे यानी RHS की तरफ, तो हमारा ये tan इनवर्स बन के आएगा। ऑफ में x प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स वाई जैसे था वैसे लिख लिया गया। फिर a और b के स्थान पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स वाई। तो ये हमारा समाप्त हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आज का ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम थ्योरम 5 का सेकंड फार्मूला हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।